जी अच्छा, जैसे कि जो घर की बात करते हैं तो घर में मतलब लोग हिना को टारगेट कर रहे हैं, हिना को फेक कहते हैं, आपके हिसाब से आपको कौन लगता है कि जो सबसे ज़्यादा फेक प्ले कर रहा है घर में? मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा 100% नहीं दे रहे हैं, और शिल्पा का पोटेंशियल एक्चुअली अभी तक एक स्क्रीनड वे पे सामने आ रहा था। अगर आप देखें तो अभी पिछले एपिसोड में शिल्पा का एक्चुअल गेम फेस सामने आया है। सो आई वोंट से एनीबडी इज़ फेक, बट आई विल से शिल्पा हैज़ पुट ऑन हर गेम फेस नाउ। ने देखा मतलब अपनी बात के लिए स्टैंड हमेशा से लेती हैं, बट कभी कभी वो इमोशनल हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है, उसका भी लोग मजाक बनाते हैं कि यार हिना रोती है छोटी छोटी बातों में। तो हाउ डू यू सी थिंग, मतलब हिना जिस तरह से ब्रेकडाउन हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इमोशनल होना किसी इंसान का ड्रॉबैक नहीं है, इमोशनल होना उस इंसान की एक अच्छी क्वालिटी है। इससे ये साबित होता है कि उसका दिल कितना वार्म है, कितना वो फील करता है चीज़ों को। अगर कोई किसी के इमोशनल होने का फ़ायदा उठा रहा है या उसका मजाक बना रहा है तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि देखिए हिना हेडस्ट्रॉन्ग है, और द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट हर कि वो हेडस्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ वो इमोशनल भी है। ज़्यादातर लोग जो हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं फिर वो इमोशन लेस हो जाते हैं, तो क्योंकि वो हेडस्ट्रॉन्ग है और लोगों को घर के अंदर ऐसा दिखता है कि उसकी स्ट्रेंथ बिना किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के और बिना किसी बैक बाइटिंग के वो अभी तक गेम में है एंड शी इज़ डूइंग सो वेल, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करके उसको किसी तरह नीचे लाया जाए, और इसीलिए लोग मजाक बनाते हैं। अब कोई चीज़ और बची नहीं है तो उसके आंसुओं का भी मजाक बना देते हैं लोग।